हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू धमाका स्टॉक चैनल। आज हम लोग एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज का पहले फंडामेंटल डेटा चेक करेंगे, उसके बाद इस शेयर के चार्ट का भी टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। ओके, तो देखिए इस कंपनी का भी मार्केट कैपिटल है रुपीज 1786.32 करोड़, एंटरप्राइज वैल्यू है आपका रुपीज 1785.69 करोड़ एंड पीई रेशियो है 19.74। इस कंपनी के ऊपर अभी आपका डेप्थ है रुपीज 14.39 करोड़ का, तो इसका जो डेप्थ इक्विटी रेशियो निकल के आ रहा है वो आपका आ रहा है 0.05। अगर किसी भी कंपनी का डेप्थ इक्विटी रेशियो एक और एक से कम होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं एंड यहाँ पे एक से कम ही है। एंड कंपनी के पास अभी आपका कैश है 15.02 करोड़, इसका मतलब कंपनी के पास इतना सफिशियंट कैश है कि कंपनी कभी भी चाहे ये जो आपका 14.39 करोड़ का डेप्थ है इसको चुका सकता है। इस कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो है 1.25। अगर किसी भी कंपनी का कैश फ्लो एज पर प्रॉफिट का रेशियो एक और एक से ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे एक से ज्यादा ही है। इस कंपनी का अर्निंग पर शेयर है रुपीज 17.46, रिटर्न ऑन इक्विटी है 15.87% एंड आरओसीई आपका है 19.87% जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी में लास्ट आपका फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था 165.58% जो कि एक जबरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है एंड सेल्स ग्रोथ हुआ था आपका 9%। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे ये जो आपका एप्कोटेक्स इंडस्ट्री है इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का जो पेज है उसको ओपन कर लिया। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग है 58.15%, पब्लिक का होल्डिंग है 40.5%, एफआईआई का है 0.89% एंड डीआईआई का है आपका 0.45%। अगर किसी भी कंपनी में प्रोमोटर्स का होल्डिंग 40% और उससे ज्यादा होता है तो हम लोग उसको अच्छा मानते हैं और यहाँ पे 40% से ज्यादा ही है। और एक चीज देखिए, ये जो आपका 58.15% प्रोमोटर्स का होल्डिंग है इसमें देखिए कुछ भी शेयर प्लेस नहीं है, शेयर प्लेसिंग का जो परसेंटेज है वो बिल्कुल जीरो है, तो ये भी आपका फंडामेंटली एक अच्छा पॉइंट है। ओके, और ये जो आपका एप्कोटेक्स इंडस्ट्री कंपनी है इस कंपनी में 2021 दिसंबर तक जो डेटा मिल रहा है उस हिसाब से आपका सुपर इन्वेस्टर नीता दीपक साहा ने लगभग 19.98 करोड़ का होल्डिंग करके रखा है एंड आपका एक्वा मैरिन मास्टर एंड ट्रेडिंग कंपनी ने 8.51 करोड़ का होल्डिंग करके रखा है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार चार्ट पे एंड वहां पे जाके इस शेयर के चार्ट का भी एक बार टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हो सके तो बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन चला जाए। और एक बात, पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक लाइक मुझे हर रोज अच्छा अच्छा शेयर ढूंढ के उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए एनर्जी देता है। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट ओपन कर लिया है, क्योंकि बिना इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट में हम लोगों को क्लियरली समझ में आता है कि कौन सा शेयर सपोर्ट जोन पे है, कौन सा शेयर अपट्रेंड में है, कौन सा शेयर डाउनट्रेंड में है। तो पहला चीज देखिए, मैंने यहाँ पे नीचे की तरफ एक आपका रेड कलर का लाइन ड्रॉ किया जो कि इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, देखिए ये शेयर जब भी सपोर्ट लाइन के नजदीक आ रहा है यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भाग रहा है, फिर से देखिए इसी सपोर्ट लाइन के नजदीक आया फिर से सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भागा, फिर से देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भागा, फिर से देखिए यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अभी ये शेयर सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेते हुए ऊपर की तरफ भाग रहा है। मतलब हम लोगों को क्लियरली यहाँ पे एक सपोर्ट जोन पे सपोर्ट लेते हुए शेयर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंडिकेशन मिल रहा है। लेकिन चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए, मतलब डेली चार्ट में ये शेयर हम लोगों को क्या इंडिकेशन दे रहा है, हर एक इंडिकेटर, वो जानने के लिए हम लोग अभी चले जाएंगे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ डेली चार्ट पे। ओके, तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वन डे का इंडिकेटर लगा हुआ चार्ट भी ओपन कर लिया। तो देखिए कल का डे पे यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उसी कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था जो कि एक टेक्निकली अच्छा बात है। आरएसआई की बात करेंगे तो देखिए आरएसआई आपका नीचे की तरफ चला गया था, मतलब 640 का जो लेवल है उसको तोड़ के नीचे की तरफ चला गया था, लेकिन फिर से आपका 40 का लेवल को तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया जो कि एक पॉजिटिव बात है। अगर एमएससीडी की बात करेंगे तो देखिए एमएससीडी 0 पॉइंट से नीचे है लेकिन 0 पॉइंट से नीचे भी पॉजिटिव कैंडल फॉर्म किया है एंड एमएससीडी का जो ये जो आपका व्हाइट वाला लाइन है थोड़ा सा मुड़ चुका है, मतलब एमएससीडी भी पूरा कोशिश कर रहा है कि ऊपर जाने के लिए। तो अभी चीजों को और भी अच्छी तरीके से जानने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार वीकली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का वीकली चार्ट भी ओपन कर लिया। तो पहला चीज देखिए, इस शेयर आपका 2020 मार्च के महीने में चल रहा था लगभग आपका 7 रुपया 70 रुपया, ठीक है, और अभी कितना चल रहा है देखिए 347, मतलब आपका एक साल 10 महीने के अंदर इस शेयर लगभग 5 गुना रिटर्न दे चुका है
जो कि एक बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है। तो चीजों को और भी अच्छी तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट पे, एंड वहां पर जाकर देख लेंगे इंडिकेटर हम लोगों को इस चार्ट के बारे में क्या क्या इंडिकेशन दे रहा है। ओके, तो अभी देखिए मैंने स्क्रीन पे इस शेयर का इंडिकेटर लगा हुआ वीकली चार्ट भी ओपन के लिए, नेगेटिव क्या है देखिए, नेगेटिव ये है कि देखिए इस शेयर का जो आरएसआई है वो आपका डाउन ट्रेंड है और लगभग आपका जो 40 का लेवल है उसके नजदीक है, लेकिन अभी तक 40 का लेवल को तोड़ा नहीं है, ये एक अच्छा बात है। अगर एमएसडी की बात करेंगे तो एमएसडी भी आपका 0 पॉइंट से नीचे है, लेकिन यहाँ पे देखने वाली चीज क्या है, देखिए ये शेयर आपका कुछ वीक से गिर रहा था, लेकिन जितना भी गिरा ये जो आपका सुपर टेन सॉरी ये जो आपका 200 डेज का मूविंग एवरेज है इसके नजदीक आने के बाद यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए एक आपका थोड़ा सा पॉजिटिव पैटर्न का एक आपका यहाँ पे कैंडल फॉर्म किया, जो कि आपका टेक्निकली अच्छा बात है। ओके, और एक चीज देखिए यहाँ पे आपका 50 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज के बीच में एक क्रॉसओवर फॉर्म होता हुआ दिखा इस जगह पे देखिए, एंड जब भी ऐसा दो मूविंग एवरेज के बीच में क्रॉसओवर फॉर्म होता है तो शेयर आपका ज्यादातर ऊपर की तरफ भी जाता है, एंड वीकली चार्ट के हिसाब से अभी ये शेयर 50 डेज 200 डेज एंड 100 डेज मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसके ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, ये एक अच्छा बात है। तो चीजों को और भी अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, सीधे चले जाएंगे इस शेयर के एक बार मंथली चार्ट पे। तो अभी देखिए मैंने कंप्यूटर स्क्रीन पे इस शेयर का मंथली चार्ट भी ओपन कर लिया, तो देखिए ये आपका था 2020 अगस्त का महीना, यहाँ पे एक पॉजिटिव कैंडल फॉर्म हुआ था एंड उस कैंडल में सुपर टेन ने बाय सिग्नल भी दिया था, तब से देखिए ये शेयर लगातार ऊपर की तरफ भाग रहा है, लेकिन कुछ महीनों से हम लोगों को यहाँ पे गिरावट देखने को मिला, लेकिन ये शेयर जितना भी गिरा सुपर टेन का जो सपोर्ट लेवल इसको तोड़ के नीचे सस्टेन कर नहीं पाया, इवन 50 डेज का मूविंग एवरेज का जो लाइन है उसको भी तोड़ के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, एंड यहाँ पे सपोर्ट लेते हुए अभी ऊपर ही क्लोज किया है, जो कि एक अच्छा बात है। और आज के रेट में भी मतलब मंथली चार्ट के हिसाब से भी ये शेयर अभी आपका 50 डेज 100 डेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। अगर आरएसआई की बात करेंगे तो आरएसआई भी जो 60 का लेवल है उसके नजदीक ही ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, और अगर एमएसडी की बात करेंगे तो एमएसडी भी आपका 0 पॉइंट से ऊपर ही है, मतलब ओवरऑल मंथली चार्ट में भी देखिए क्लियरली हम लोगों को अप ट्रेंड दिख रहा है। तो मेरे हिसाब से इसका जो अभी चार्ट पैटर्न है बहुत स्ट्रॉन्ग है, एसआर से ऊपर की तरफ भी जा सकता है। तो मेरे हिसाब से अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है लगभग 345, अगर इसी रेंज पे इस शेयर को खरीदा जाए, और अगर आप लोगों का नजरिया मिनिमम 4 से 5 महीने का है, तो मुझे जो लगता है कि 4 से 5 महीने के अंदर ये शेयर आपका 440 का जो टारगेट है वो भी अचीव कर सकता है। लेकिन कुछ भी एक्शन लेने से पहले आपका जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उससे एक बार जरूर कंसल्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूं एंड मैं यहाँ पे किसी भी तरीके का कुछ भी टिप्स नहीं देता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मेरा जितना टेक्निकल एंड फंडामेंटल का नॉलेज है उसके ऊपर बेस करके वीडियो बना के आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं कि कौन सा शेयर टेक्निकली कैसा है, कौन सा शेयर फंडामेंटली कैसा है। तो आज के लिए इतना ही, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।